आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग गिव अवे तो पार्टिसिपेट करते होंगे। तो बड़े बड़े यूट्यूबर जब प्रोडक्ट अपने सब्सक्राइबर को फ्री में देता है तो उसको गिव अवे बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हो, जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो मेन थ्री टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आप फॉलो भी करते हो फिर भी रैंडम कमेंट पिक करने में आपका नाम क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो एक सेटिंग्स है जिसको आपको अपने यूट्यूब ऐप पर एनेबल करना होगा। जब तक आप एनेबल नहीं करोगे तो उस क्रिएटर को पता नहीं चलेगा, रैंडम कमेंट पिक करके एआई को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका चैनल सब्सक्राइब किया है या आपने उसका कमेंट उसके चैनल पर कमेंट किया है, इसका वीडियो को लाइक किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला, तो वीडियो का किधर देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोरीन, आप देखिए शोरीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दो, इस चैनल पे मैं हमेशा टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखिए, ठीक है। तो हमारे चैनल के टेक अपडेट सबसे पहले आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको पहले अपने फ़ोन के यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन को स्क्रीन आपके फ़ोन स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया, ठीक है। तो आपको पहले YouTube को ओपन करना होगा, ठीक है। तो YouTube जब ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके इधर ऊपर के जो राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं आपका जो प्रोफाइल का जो आइकन है, ठीक है। तो YouTube जहाँ पर लिखा है लेफ्ट कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल का आइकन मिलेगा, उसके ऊपर आप सिंगल क्लिक कीजिए, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपका चैनल का जो सेटिंग्स मेनू वो आ जाएगा, ठीक है। तो मेनू पे आप स्टूडियो पे या चैनल के कितने टाइम आप YouTube यूज़ किए ये सब उधर देख सकते हैं, मेनू आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में एक ऑप्शन है आप देख सकते हैं यो चैनल नाम का, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका चैनल का पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो आपका चैनल या आपका जो अकाउंट है अकाउंट का पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो इधर कॉर्नर पे आपको एक सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, ठीक है। तो सेटिंग्स के आइकन के ऊपर सिंगल क्लिक कीजिए, ठीक है। सेटिंग्स के आइकन के ऊपर जब भी सिंगल क्लिक करते हैं तो इधर आपके चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सब चूज करने के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो लास्ट में आपको दे सकते हैं दो ऑप्शन है प्राइवेसी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इधर फर्स्ट ऑप्शन जो है कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, ठीक है। तो इसको अगर ये डिफॉल्ट ऑन रहता है, अगर ऑन रहता है तो इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे, आपने अगर किसी का चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, ठीक है, तो जो रैंडम कमेंट पिकर उसको नहीं देख पाएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन तो प्राइवेट करके रखा है। आपने किस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो तो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने प्राइवेट करके रखा है। इसलिए जो गिव अवे में आप अगर पार्टिसिपेट करते हो, रैंडम कमेंट पिकर क्या करता है, पहले वो कमेंट को पढ़ लेता है, ठीक है। तो कमेंट के पढ़ने के बाद देखता है जी इस कमेंट के यूजर्स ने जो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ठीक है। तो फिर उधर से वो रैंडम कमेंट पिकर, अगर आपने चैनल को प्राइवेट करके रखा है तो रैंडम कमेंट पिकर पकड़ नहीं पाता और आपको उस गिव अवे से निकाल देता है। और जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जिसने ये स्टेप फॉलो किया है, उसमें से किसी का नाम आके वो गिव अवे जीत जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप अगर फॉलो करते हो तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप जीत भी सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखिए, तो हमारे चैनल के टिक अपडेट सबसे पहले आपके पास मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।